ये आकाशवाणी है, अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश में एक ही चरण और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान कल होगा। एक पखवाड़े से ज्यादा समय से चल रहा इन राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। अब केवल घर घर संपर्क के जरिए ही मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जा सकेगी। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल प्रभावित कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक होगा। राज्य में कुल 64,523 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान में कल 70 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1,63,14,489 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसका विमोचन किया। इस बीच निर्वाचन आयोग आज से एक सप्ताह का मतदाता जागरूकता अभियान सतरंग सप्ताह शुरू कर रहा है। तेलंगाना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर हैं। नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। भारत की मेजबानी में अल्प विकसित और विकासशील देशों का दूसरा शिखर सम्मेलन कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा। ये सम्मेलन भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुई बैठकों के निष्कर्षों को विकासशील देशों के साथ साझा करने पर केंद्रित है। सत्र की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान वैश्विक विकास से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की संभावना है। ये सम्मेलन अधिक समावेशी और प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की आम आकांक्षाओं को बनाए रखने के मंच के रूप में काम करेगा। पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी इस साल जनवरी में भारत ने वर्चुअल माध्यम से की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन समाचार पोर्टल न्यूज क्लिक से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए अमेरिका के कारोबारी नेविल रॉय सिंघम को फिर समन जारी किया है। सिंघम पर चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप है और बताया जाता है कि वो चीन के शंघाई में रहता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत इस वर्ष सितंबर में 18,88,000 नए कर्मचारियों का पंजीकरण हुआ। इनमें 25 वर्ष तक के 9,00,000 से अधिक युवा कर्मी शामिल हैं। पेरोल डेटा के अनुसार सितंबर में 3,51,000 महिला सदस्यों और 61 किन्नर कर्मचारियों का भी पंजीकरण हुआ। इस वर्ष सितंबर में ESI योजना के अंतर्गत लगभग 22,544 नए प्रतिष्ठान भी पंजीकृत किए गए। भारतीय निर्यात इस वर्ष अक्टूबर में 6.21% बढ़ गया। ये 33,57,00,000,000 पहुंच गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 31,60,00,000,000 था। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह 11 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 384 दर्ज किया गया। ICC क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिन में 2 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में मेजबान टीम ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 398 रन का लक्ष्य दिया था। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 49वें ओवर में 327 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।